हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो CLAT 25 एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कैसे करनी है ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि क्या सिलेबस होता है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंड किस तरीके का आपका प्रेपरेशन जो है वो होना चाहिए ताकि आप CLAT 25 एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओ। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, CLAT 24 एग्जामिनेशन जो है गाइस जस्ट कंप्लीट हुई है। CLAT 24 एग्जामिनेशन 3rd of December 2023 को हुई थी। अगर इसके पेपर एनालिसिस आपको जानने हैं कि पेपर कैसा पूछा गया था, क्या डिफिकल्टी लेवल था, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल रही हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको आइडिया आए कि पेपर CLAT 24 कैसा हुआ था, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए कैसा हुआ था और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 के पेपर में। तो चलिए पहले समझते हैं कि एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो है CLAT 24 एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिली है कि कंपेयर टू दैट ऑफ CLAT 23 एग्जामिनेशन, यहाँ पे 35% जो है एप्लीकेंट्स का हमें राइज देखने को मिला है गाइस, कि मतलब कि अब जो क्लैट एस्पिरेंट्स है कंपटीशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब कि समझिए कि CLAT 23 में अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया था तो CLAT 24 जो है यहाँ पे इसमें 135 बच्चों ने दिया था एंड CLAT 25 में और भी ज्यादा जो है हमें एप्लीकेंट्स में राइज देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्यों राइज हो रहे हैं? तो एक्चुअली में अगर हम बात करें क्लैट एग्जामिनेशन पहले जो है वो जून मंथ में हुआ करती थी, फिर जून मंथ में से कैंसिल करके पहली बार CLAT 23 एग्जामिनेशन जो है अब ये दिसंबर मंथ में जो है वो होल्ड करी जाएगी। प्लस कंसोर्टियम ने डिक्लेयर कर दिया है कि हर साल क्लैट एग्जामिनेशन जो है एवरी दिसंबर, एवरी ईयर जो है वो दिसंबर मंथ में ही क्या करी जाएगी, कंडक्ट करी जाएगी। तो मेजोरिटी ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो 12th स्टैंडर्ड भी अपियर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 12th स्टैंडर्ड की जो बोर्ड एग्जामिनेशन होती है वो आती है फेब मंथ में। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले बोर्ड एग्जाम हुआ करती थी, फिर जून मंथ में जो है यहाँ पे बच्चे क्या दिया करते थे, एग्जाम दिया करते। बट अभी चेंज कर दिया है, क्या बोला कि बच्चों का एग्जामिनेशन जो है वो क्लैट का दिसंबर में ही हो जाएगा, मतलब कि प्रायर टू बोर्ड्स जो है वो एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो अब प्रायर टू बोर्ड एग्जाम जब हो रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक अच्छा खासा टाइम पीरियड मिल जाता है, स्पेसिफिकली वो अपने 11th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन से लेकर के पूरा 1 ईयर प्रिपरेशन करके, 6 to 8 months प्रिपरेशन करके जो है ये एग्जामिनेशन अपियर कर पाते हैं। तो उनके लिए जो लेवल है प्रिपेरेशन का वो भी उन्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो कंपटीशन इसी कारण से बढ़ते जा रहा है और यही कारण है कि हमें CLAT 24 एग्जामिनेशन में 35% जो है राइज देखने को मिला एंड हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर और भी एस्पिरेंट्स जो है वो राइज होंगे। ये चीज कंसोर्टियम ने अपने प्रेस रिलीज में भी बताई हुई है। तो गाइस करेक्ट समय, ऐसे कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता है कि मिनिमम मुझे 1 ईयर की प्रेपरेशन करनी है या 2 ईयर्स की प्रेपरेशन करनी है या 6 मंथ्स। जब आपको लग रहा है कि मुझे अपना करियर लॉ में बनाना है और मुझे इंडिया के टॉप एनएलयूज में से पढ़ाई करनी है, टॉप एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को हम लोग बोलते हैं एनएलयूज। अब ये एनएलयूज जो है ये क्या होती है, जैसे IITs होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, IIMs होते हैं मैनेजमेंट के लिए, वैसे ही एनएलयूज जो है वो होती है लॉ के लिए। तो ये यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए टॉप एनएलयूज में से हो जाएगा बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, जोधपुर, ये टॉप एनएलयूज में एडमिशन लेने के लिए आपका क्लैट एग्जामिनेशन में स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए एंड एग्जाम जो है टाइम कैसे फटाफट निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो कैसे CLAT 25 की प्रेपरेशन करें चलिए वो देखते हैं। बट CLAT 24 में जो BEd केयर के स्टूडेंट्स थे उनकी बहुत अच्छे पेपर्स गए हैं, दे हैड अ वेरी ब्यूटिफुल क्लैट जर्नी। उन्होंने जैसे प्रेपरेशन करी थी उस हिसाब से उनका ये पेपर जो है वो बहुत ज्यादा आसान गया था। तो इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को एकदम ध्यान से देखिए ताकि नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दें तब आपके लिए भी पेपर जो है इतना ही आसान जो है वो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज कंसोर्टियम हमें बोलता है कि क्लैट एग्जाम जो है इट इज अ टेस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड एंड स्किल्स जो नेसेसरी है लीगल एजुकेशन के लिए एंड
प्रायर नॉलेज हम ये यहाँ पे आपसे नहीं मांग रहे। यही चीज क्लैट कंसोर्टियम ने क्लैट 24 के एग्जामिनेशन में भी बताई कि प्रायर नॉलेज जो है इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप जो है फ्यूचर में एज अ लॉयर कैसे काम करोगे, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, और लीगल एजुकेशन में कैसे आपका जो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड स्किल्स अच्छा होना चाहिए। यहीं पे यहाँ पे इस बारे में क्लैट आपको टेस्ट करेगा। तो इसमें टोटल जो है अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टोटल कितने सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन होता है इंग्लिश, फिर होता है लीगल, फिर होता है जीके एंड करंट अफेयर्स, फिर होता है लॉजिकल रीजनिंग, एंड लास्ट वाला जो सेक्शन है ये होता है आपका मैथ्स का सेक्शन। तो इंग्लिश में आपको टोटल 20% ऑफ द पेपर आता है, लीगल 25% ऑफ पेपर, जीके एंड करंट अफेयर्स इज अगेन 25% ऑफ पेपर, लॉजिकल रीजनिंग 20% ऑफ द पेपर, एंड मैथ्स जो है ये आपका 10% ऑफ द पेपर बन जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे सेक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब अगर क्लैट के पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें गाइस, तो क्लैट जो है आपको 120 क्वेश्चंस जो है वो देता है, और इन 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 120 मिनट्स है, और सारे क्वेश्चन जो है वो आरसी बेस्ड होते हैं। अब आरसी बेस्ड का मतलब क्या कि आपको एक आरसी दिया जाएगा, मतलब कि एक पैसेज होगा, ये पैसेज जो है अप्रोक्सीमेट 450 वर्ड्स का होगा। ठीक है, और फिर उस पैसेज पे से आपको 4, 5 या 6 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाए, एंड ये सारे क्वेश्चंस कौन से फॉर्मेट में होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। मतलब आपको एक सवाल के लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे और फिर आपको उसमें से कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। तो आप समझते हैं कि क्या क्या पेपर पैटर्न के हिसाब से हमें कौन से सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है आपका इंग्लिश का सेक्शन। अब अनसीन पैसेजेस होंगे, बेसिकली ग्रामर के ऊपर बेस्ड होता है, क्लास 10 बोर्ड्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते सेम होंगे, बट क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है, तो ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल भी अकॉर्डिंगली ही होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, जहाँ पे हिडन आइडियाज आपको यूज करनी होगी, अजम्पशंस यूज करने होंगे, साथ ही साथ आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन उस आरसी में से पढ़ के समझ के जो है फिर आंसर सिलेक्ट करना होगा। इसमें क्रिटिकल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे इस सेक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कभी कभी लाइटली ले लेते हैं कि हमने ऑलरेडी क्लैट एग्जामिनेशन जो है स्पेसिफिकली अगर हम देखें, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन होता है जो हम बचपन से करते आए हैं, तो काफी बच्चे उसे प्रैक्टिस नहीं करते। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करें तो कम से कम आपको 2 पैसेजेस तो दिन के रोज सॉल्व करने चाहिए, और अजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर हम क्लैट 24 की बात करें गाइस, तो काफी क्वेश्चंस जो है ग्रामेटिकल बेस्ड पे थे, एंड काफी क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्ट भी पूछे गए थे। बट व्हाट विल मैटर द मोस्ट इज आपका रीडिंग स्पीड कितना है, बिकॉज पेपर जो है यहाँ पे आपको 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस यहाँ पे आपको आरसी भी पढ़ना है। तो आपका स्किल्स जो है रीडिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, ताकि आप एक्यूरेसी जो लेवल है आपका अच्छा हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होता है वो है जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स की हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट टिप, रोज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स पढ़नी चाहिए। न्यूज़पेपर्स कौन से, एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, कुछ वेबसाइट्स जैसे कि द वायर हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रिंट हो गया, ये कुछ वेबसाइट्स जो है स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए। लीगल अपडेट्स के लिए लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ऐसी है जो हर एक स्टूडेंट को हमेशा क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। एंड आपको ये याद रखना है कि आप जीके एंड करंट अफेयर्स की जब प्रेपरेशन कर रहे हो, तब गाइस रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जीके करंट अफेयर्स का जो पीरियड है वो होने वाला है 1 ईयर। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं है, बिकॉज कंसोर्टियम बोलता है ऐसा कोई लिमिट हम नहीं सेटअप कर रहे, बट वो जनरली उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो है आरसी पूछते हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, जो नेशनल या फिर तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का था, और जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी
हुआ करता था। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो है वो आपको जीके में पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जीके करंट अफेयर सेक्शन जो है आपके लिए बूस्टर सेक्शन होना चाहिए। अब ये बूस्टर सेक्शन मतलब कि इट इज आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। आप काफी कम समय में ये जीके का सेक्शन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और ये कैसे पॉसिबल होगा गाइस, बिकॉज मान के चलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है दैट हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर है मिस्टर जगदीप धानकर, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप वहां पे सोचने नहीं बैठ सकते कि क्या होगा आंसर। अगर आता है तो उसे मार्क करना है, नहीं आता है तो उसे स्किप करना है। तो ये आपके लिए टाइम सेवर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट जो है स्पेसिफिकली करेक्ट आंसर पे डिराइव करना है। लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और स्टैटिक जीके आपको पता होना चाहिए स्कूल लेवल का, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी। ये कुछ स्टैटिक पार्ट जो है आपको जीके एंड करंट अफेयर्स में पता होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। CLAT 24 में जलियांवाला बाग मसकर के बारे में क्वेश्चन आया था, तो यस स्टैटिक क्वेश्चंस भी कुछ पूछे जाते हैं। दैट इज व्हाई आपका जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। स्कूल लेवल का ही होता है बट आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी वैसे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बी एडुकेयर के हमारे जो कोचिंग है, अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस की कैसे तैयारी करनी है ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है वो घाटकोपर, डोंबिवली में है एंड दादर में है। प्लस हम ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जो है हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आगे का देखते हैं कि कैसे हमें प्रेपरेशन जो है वो करनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है वो होता है लीगल रीजनिंग का सेक्शन। अब लीगल रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लीगल रीजनिंग का सेक्शन से आपके मार्क्स और आपके रैंक भी क्या होते हैं अफेक्ट होते हैं। तो अब अगर हम देखें 2022 22 23 एंड 24 के पेपर में, तो क्लैट कंसोर्टियम जो है वो लीगल क्वेश्चंस ऐसे पूछता है स्पेसिफिकली जहां पे आपको प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है। बट ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस जो है आपको, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉज जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बन जाते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लीगल में जो आपको आरसी होते हैं ये सारे लीगल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। मतलब करंटली कुछ ऐसे मैटर्स जो स्पेसिफिकली कोर्ट में चल रहे हैं, जिनका कोई चीज जो है पेंडिंग है या लैंडमार्क जजमेंट आया है, वैसे वाले टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि CLAT 24 एग्जामिनेशन में जो है डेफोमेशन का टॉपिक्स पूछा गया था, डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर क्वेश्चन आए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या थे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे फ्रॉम द लीगल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस होना चाहिए बिकॉज ये रीजनिंग है। मतलब कि आपको पैसेज में प्रिंसिपल जो है वो दिया जाएगा, प्रिंसिपल पैसेज में होगा एंड फिर वो प्रिंसिपल जो है आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन पे क्या करना है, अप्लाई करना है ताकि आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सके। अब यूजुअली इसके जो पैसेजेस और क्वेश्चंस है वो लेंदी होते हैं, इसीलिए आपकी स्पीड जो है गाइस वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसे समझ सके और उस प्रिंसिपल जो आपको आरसी में दिया गया है आप उसे अप्लाई कर सके। तो ऑन एन एवरेज अगर आप दिन के 2 या 3 आरसी भी सॉल्व कर रहे हो दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल ताकि आपका स्पीड और अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स जो है इम्प्रूव हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, ये 20% ऑफ द पेपर आता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें जो है स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी होती है। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पजल्स, ब्लड रिलेशन जो है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर जो है उससे रिलेटेड होंगे। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको जो है कंक्लूजन पे पहुंचना होगा कि कैसे तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे। आप कंक्लूजन पे पहुंचना होगा मतलब आपको एक सिनारियो दिया गया रहेगा जहां पे आपको अजम्पशन करना होगा कि अगर ऐसे सिनारियो हो गया
तो फिर क्या होगा अगर सपोजिंगली इसमें थोड़ा सा चेंज है या सिचुएशन में कहीं पे कोई तो बड़ा चेंज हो जाता है, तो इसका आंसर जो है वो कैसे चेंज हो सकता है। ये लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन जो है अगर हम देखें तो रिलेटिवली इजी होता है, क्लास 10 लेवल का ही आपको मैथ्स यहाँ पे पूछा जाता है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लैट 24 एग्जामिनेशन में पेपर जो है वो इतना लेंदी नहीं था। ये भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अपना टाइम क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पे सेव कर सकते हो। 10% ही ऑफ द पेपर है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम इसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, या टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे मिस आउट कर देते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि आपके लिए सारे सेक्शन जो है क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसीलिए प्लीज कोई भी सेक्शन ऐसे नहीं करिएगा कि दिस इज गोइंग टू बी एंड लास्ट ऑप्शन, अगर टाइम मिला तो ही मैं अटेम्प्ट करूंगा, ऐसे नहीं। सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। अब बीएडयू केयर को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, प्लस हम आपको एक क्लैट का एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो दे रहे हैं। फ्री मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो डाल दिया है। एंड एक और टिप फॉर द क्लैट 25 एग्जामिनेशन, जितना हो सके उतना आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसे होता है और किस तरीके के डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नॉट ओनली अगर मैं बात करूं मॉक्स, मॉक्स जो है आपको स्पेसिफिकली आफ्टर द मंथ ऑफ जून जो है वो सॉल्व करने चाहिए, बट अगर आपकी प्रेपरेशन जैन से ही स्टार्ट हो जा रही है तो आपको जैन से लेके जून तक एक अच्छा टाइम पीरियड मिलता है, जहां पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी क्या कर सकते हो, अपियर कर सकते हो। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, मान के चलिए कि अगर आपको जो है अपने टॉपिक्स को ब्रशअप करना है, आपने लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो लीगल नॉलेज थी वो आपने जान ली, अब इसके ऊपर आप आरसी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर एटसेट्रा। तो नॉट ओनली सॉल्विंग मॉक्स बट ऑल्सो टॉपिक वाइज टेस्ट एंड एक एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। स्टार्टिंग से ही जो है, इट इज नो पर्सन इज एन मास्टर, मतलब कोई पर्सन AIR रैंक 1 हो करके ऐसे प्लान नहीं करता है, वो भी एक टाइम पे बिगिनर ही था जो एक NLU में जाने का एम कर रहा है। तो रिमेम्बर गाइस कि एग्जाम की प्रेपरेशन करने के लिए आपके पास राइट कंटेंट होना चाहिए, आप राइट सोर्स से पढ़ाई करनी चाहिए और राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिस भी कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर सकता है, और अंडर प्रैक्टिस करना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड राइट गाइडेंस, आपके जो मेंटर है, आपको जो भी क्वेरीज आ रही है, या क्लैट एग्जामिनेशन में और प्रीवियस कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे एटसेट्रा, तो यहाँ पे अगर आपको राइट गाइडेंस मिलेगा तो ये सारी चीजों से जो है आप डेफिनेटली जो है क्लैट एग्जामिनेशन अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। आज से ही 1 ईयर का पीरियड जो है फॉर द क्लैट 25 स्टार्ट हो जाता है। अब ये 1 ईयर के पीरियड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क होगा, कंसेप्ट्स को समझिए, सारे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को समझिए। करंट अफेयर्स एंड लीगल वाले सेक्शन के लिए तो स्पेसिफिकली रोज का रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, प्लस पूरा पैसेज जो है, सारे इंपॉर्टेंट पैसेजेस जो पूछे जाते हैं, जितने आरसीज होते हैं, ये सब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में से ही होते हैं। प्लस न्यूज़पेपर रीड करने से आपकी वोकैबुलरी जो है इम्प्रूव होती है, प्लस आपकी रीडिंग स्पीड जो है इंक्रीज होती है, एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होती है, और रीजनिंग स्किल्स भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। इसीलिए न्यूज़पेपर रोज पढ़ना चाहिए। एमसीक्यूज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने से आपको स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत आसानी से समझ जाएगा कि कैसे है। नॉट ओनली दैट, आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। मॉक टेस्ट आइडियली जो है आपको बताते हैं कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं और कौन से आपके इम्पोर्टेंट और स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स। हमारे जो कोचिंग सेंटर्स है, बीएड केयर आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम।
आप हमें जो है यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी ब्रांचेस डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर में है, आप इन नंबर्स पे से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एंड ऐप को अभी डाउनलोड करिए ताकि आप एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो अपियर कर पाए।